बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी बीजेपी कल जारी कर सकती है संकल्प पत्र। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी राज्य मुख्यालय में संकल्प पत्र करेगी जारी, और इस दौरान अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम रहेगा। इसके अलावा संकल्प पत्र में बिजली में राहत की बात भी बीजेपी कर सकती है। तो आपको बता दें कि कल संकल्प पत्र बीजेपी का जारी होगा और इस दौरान कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे, और इस संकल्प पत्र में बिजली बिल में राहत की बात बीजेपी कर सकती है। और बड़े मुद्दे जो होंगे घोषणा पत्र में वो किसान, युवा और महिला सुरक्षा, इसके अलावा स्वावलंबन, महिला सुरक्षा, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो अहम हो सकता है। बिजली बिल में भी राहत की बात बीजेपी कर सकती है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिजली बिल को लेकर लोगों को राहत देने की बात कर रही हैं, और इसी बीच जब घोषणा पत्र बीजेपी का आएगा तो उसमें भी बिजली बिल को लेकर जो है खासा फोकस नजर आ सकता है, ताकि जो वोटर्स हैं उनका ध्यान बीजेपी की तरफ से ना भटके और संकल्प पत्र में बिजली बिल में राहत की बात बीजेपी कर सकती है। और इसको लेकर कल जो संकल्प पत्र है बीजेपी का जारी होगा, और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे, और इस घोषणा पत्र में कई अहम मुद्दों पर जो है बीजेपी चोट कर सकती है, ताकि जो वोटर्स हैं वो भटके ना, वो बीजेपी के ही पाले में रहें, इसको खासा ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि जो घोषणा पत्र बीजेपी का बना है वो जनता से राय लेकर ही बीजेपी ने बनाया है, जनता के मुद्दे ही उसमें डाले गए हैं, ताकि जनता जो है वो भटके ना, जो चीज़ें लोगों को चाहिए वो घोषणा पत्र में डाली गई हैं। और इस घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला सुरक्षा को लेकर जो बीजेपी है वो खास ध्यान देगी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद का इसमें मुद्दा भी रहेगा। तो आपको बता दें कि संकल्प पत्र बीजेपी का कल आएगा, और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो सामने आ सकती हैं। थोड़ी देर में बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। आपको बता दें यूपी में पहली फिजिकल रैली ये प्रधानमंत्री मोदी की होगी, जिसको वो संबोधित करेंगे, और इस दौरान 20,000 लोगों को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बिजनौर में फिजिकल, मुरादाबाद में रैली उनकी होगी। आपको बता दें मुरादाबाद अमरोहा में वर्चुअल प्रसारण इस रैली का होगा। वर्धमान डिग्री कॉलेज में सुबह 11:30 बजे ये जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की प्रसारित होगी, और इस दौरान 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर फोकस होगा। तो ये सीधा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, और कुछ ही देर में आपको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते नजर आएंगे, जहां पर 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और ये जो रैली है इसमें 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर फोकस बीजेपी का होगा, और उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो इस रैली को लेकर खासा उत्साहित हैं, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। और जो लोग हैं, जो भीड़ है वो पहले से ही जुट चुकी है, लोग सामने नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिजनौर से सीधा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। जन चौपाल के नाम से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में होगी, और चुनाव के मद्देनज़र जो पार्टियाँ हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है, और इसी कड़ी में बीजेपी भी लगातार मैदान में कमर कसे हुए है, और अपने पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के जो लुभावने वादे हैं वो बीजेपी भी कर रही है, और तमाम अलग अलग पार्टियां भी कर रही है। और इसी कड़ी में बिजनौर में आज प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी रैली, जहां पर 20,000 लोगों पर फोकस सीधा पार्टी का होगा, और इस दौरान भारी भीड़ जो है वो भी नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नज़र आएंगे। जन चौपाल नाम इस कार्यक्रम को दिया गया है, पहली फिजिकल रैली ये प्रधानमंत्री मोदी की,
जहां पर लगभग 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक साथ संबोधित करेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। रैली जहां पर है वहीं पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम करेंगे। जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। जब भी कोई बड़ा नेता आता है क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के, तो कार्यकर्ताओं का जोश वैसे ही बहुत हाई हो जाता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो अलग ही लेवल पे पहुंचता है। और इस दौरान बिजनौर में भी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी की टोपी लगाए हुए, बीजेपी का झंडा पकड़े हुए, बीजेपी के गले में गमछा जो है बीजेपी का डाले हुए रैली क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस दौरान भीड़ भी जो है लोगों की, आम लोगों की, वोटर्स की, वो भी वहां पर पहुंची हुई है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आएंगे। बिजनौर से सीधा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। और ये रैली, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जन चौपाल नाम से, इस कार्यक्रम को जन चौपाल नाम दिया गया है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। और ये पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री मोदी की होगी जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और उम्मीदवार, प्रत्याशी सभी मौजूद रहेंगे। वोटर्स भी, लोग भी, जनता भी यहां पर मौजूद रहेगी। और एक साथ 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बिजनौर में फिजिकल रैली है ये। आपको बता दें कि मुरादाबाद, अमरोहा में वर्चुअल प्रसारण इसका होगा। वर्धमान डिग्री कॉलेज में इस रैली का सीधा प्रसारण होगा। वहां पर भी लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुन सकेंगे। और इस रैली का मकसद 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर फोकस है। और सीधा तस्वीरें आपको बिजनौर से देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह है अपने नेता के संबोधन के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैजल, प्रधानमंत्री का संबोधन है, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम जो है वो, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगभग आधा घंटा लेट प्रधानमंत्री बिजनौर पहुंचे हैं। 11:20 को हमको आया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आधा घंटा लेट प्रधानमंत्री बिजनौर हो जाएंगे। लगभग कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, 20,000 लोगों की आपकी संभावना है। अगर बहुत सुरक्षा की, तो सुरक्षा पूरी प्रशासन ने अलर्ट है, किसी की एंट्री आने जाने नहीं है, सबकी चेकिंग बरकरार है और हर जगह अधिकारी लगा हुआ है। आधा घंटा प्रधानमंत्री का काफिला लेट है, उसके बाद भी लोगों में जोश जो है वो कम नहीं है। बीजेपी का के जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनमें काफी जोश नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात करें कार्यकर्ता जोश में है, काम कर रहे हैं, फाइल है, नारेबाजी लगातार हो रही है, नारे लग रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इंतजार की, तो आधा घंटा लेट है। उनका खुद का कहना है कि हमें घंटा डेढ़ घंटा इंतजार करना है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। फैजल, जो आज की रैली प्रधानमंत्री की है, क्या लगता है कितना फायदा इससे मिलने वाला है? प्रधानमंत्री की रैली से बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। और बिजनौर से जो सदर विधायक सुजीत चौधरी हैं, उन्हें दोबारा टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा प्रधानमंत्री रैली के बाद होगा। जी फैजल, अगर हम बिजनौर की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, तो क्या है वहाँ का माहौल अभी, किसके फेवर में है जनता वहाँ की अभी? अगर बात करें पॉलिटिक्स, तो आज विधानसभा है बिजनौर में और 8 विधानसभा में। लगभग अगर बात करें बिजनौर सीट की, तो बिजनौर सीट में बीजेपी और गठबंधन की फाइट है। और बात करें धामपुर में, तो धामपुर में गठबंधन की फाइट है। कहीं ना कहीं बीएसपी की फाइट कमजोर दिखाई दे रही है बिजनौर। चलिए फैजल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है वो आधा घंटा लेट हो गया है। हालांकि इसके बाद भी जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, और सुरक्षा को लेकर भी यहां पर इंतज़ाम जो हैं वो पुख्ता किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कई राजनीतिक दलों के नेता जो हैं उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे सदस्यता बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर। जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर। तो आपको बता दें कि बीजेपी के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी
और इससे बीजेपी को खासा फायदा होने वाला है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो लोग नेता जो शामिल हो रहे हैं उनको शपथ दिलाएंगे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय वो नेता पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नेताओं को शपथ दिलाएंगे और बीजेपी कार्यालय वो नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके क्या जानकारी मिल रही है, कौन नेता है वो जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और आधिकारिक तौर पर ये ज्वाइनिंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कराएंगे। हालांकि इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको खुद बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर शुरू हो चुका है। जी नामों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन वो नेता है जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी ऐसे नेता का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के कई पूर्व विधायक हैं जो पहले से बीजेपी के संपर्क में थे, जिनका टिकट समाजवादी पार्टी गठबंधन से नहीं हो पाया है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। जी इसके क्या लगता है कि इन नेताओं के आने से कितना फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कहीं ना कहीं उन नेताओं को जिनका अपना जनाधार है, जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से लगातार लंबा वक्त राजनीति में बिता चुके हैं, उनका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश करेगी, ताकि उसके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कहीं उनको उनको वहां पर सपोर्ट मिले। और यही कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को लगातार ज्वाइन करा रही है जिनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र स्तर पर जनाधार है। और इन नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है। जी चलिए, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, बीजेपी में कई नेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के वो नेता हैं और मुख्यालय वो पहुंच चुके हैं बीजेपी के, जहां पर डिप्टी सीएम उनको सदस्यता बीजेपी की दिलाएंगे और बीजेपी का जो कुनबा है इसके साथ बढ़ेगा, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी ने जारी कर दी है 45 प्रत्याशियों की नई लिस्ट। अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और इसौली से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सुल्तानपुर से पूर्व मंत्री विनोद सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है और लंबुआ विधानसभा से सीताराम वर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। रानीगंज से धीरज ओझा को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने एक और नई लिस्ट जारी कर दी है, इसमें आपको बता दें कि बीजेपी ने 45 प्रत्याशी हैं जिनकी लिस्ट जो है बीजेपी ने फाइनल की है। 45 नए प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और इस लिस्ट में तमाम नाम जो हैं वो शामिल हैं। अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और इसौली से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सुल्तानपुर से पूर्व मंत्री विनोद सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। तो ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है और इन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। तो बीजेपी ने 45 नए प्रत्याशियों की नई लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है, उसमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने ऐलान कर दिए हैं। रानीगंज से धीरज ओझा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और इसी पर हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बीजेपी ने 45 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तमाम नाम इसमें शामिल हैं? जी निश्चित तौर से 45 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका इंतजार बहुत समय से होता है। सबसे बड़ा नाम अगर आप देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था न केवल लखनऊ से बल्कि दिल्ली तक इस नाम की चर्चा थी, वो थी जयशंकर सिंह, जो कि पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं और सरयू नगर से दोनों मंत्री हैं उनका, और इनकी दावेदारी थी जहाँ पे राजेश्वर सिंह जो ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं उनका नाम आता है। उसके बाद फिर से नाम चर्चा में आता है जयशंकर सिंह का। हालांकि आप उस नाम से आज तक गुमनाम लग गया है, उनको बलिया सदर से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं महिलाओं को भी इससे ज्यादा भागीदारी की है, जहां एक बार फिर से अलका राय जो कि मोहम्मदाबाद से आती हैं और पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, उनका भी टिकट दिया गया है। साथ ही साथ रानीगंज से आप बात करेंगे धीरज ओझा को टिकट दिया गया है, नीलकंठ त्रिपाठी को दिया गया है, अनिल राजभर का इसमें नाम है। तो तमाम वो नाम है जो पहले जिनके चेहरे थे उनका नाम यहाँ दिया गया है।
सबसे बड़ी चर्चा की बात रही है कि बलिया इस बार चर्चा का केंद्र है, जहां बलिया से जयशंकर सिंह आते हैं, वहीं बहरिया विधानसभा से इनके विधायक बोलबाग बात करने वाले, और तेजतर्रार विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कटता है। उसके बाद उनका एक प्रतिक्रिया भी आती है जिसमें बोल रहे हैं कि मैं निर्देश लूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी उस डेट को संभालने की कोशिश करेगी। तो तमाम के नाम है, जब भी लिस्ट आती है भारतीय जनता पार्टी की तो यकीन मानी वो चर्चा का विषय रहती है, और इस बार चर्चा का केंद्र है बलिया। जी मनीष, तो मतलब बीजेपी ने कुछ नए नामों पर भरोसा जताया, तो वहीं जो पुराने नाम थे उनका टिकट भी काटा है, तो ये लिस्ट बीजेपी की आ गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लोगों से मुलाकात की और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की इस दौरान उन्होंने अपील की। उनके बाद डिप्टी सीएम जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं से, उन्होंने पदाधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख बजाकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, और इस दौरान लोगों से दिनेश शर्मा मिले, जहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख बजाकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का ये दौरा, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे हुए थे, इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उन्होंने साधने की कोशिश की। ब्राह्मण समाज के लोगों से भी डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने शंख बजाकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया, अभिवादन किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लोगों से मुलाकात करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की। इसके अलावा अपनी पार्टी की जो 5 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको भी उन्होंने लोगों के सामने रखा, तमाम तरह के वादे जो हैं वो भी किए। आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर से जयसिंहपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी ओपी सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें पर्चा भरते वक्त कार्यकर्ताओं की जो भारी भीड़ है वो दिखाई दी। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के संवाददाता संतोष पांडे ने बीएसपी प्रत्याशी ओपी सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर विधानसभा में विकास की रफ्तार को वो और तेजी से बढ़ाएंगे। सुल्तानपुर की जहाँ पर जयसिंहपुर विधानसभा से पर्चा दाखिल करने वाले माननीय ओपी सिंह जी ने आज अपना पर्चा दाखिल किया, और पर्चा दाखिल करने के बाद इन्होंने बताया कि जिस तरह से वहाँ पर सड़कों का हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह का विकास का एजेंडा लेकर आ रहे हैं। क्या एजेंडा आपका है कि इस चुनाव में कि आप जयसिंहपुर में विकास किस तरह से करेंगे? जयसिंहपुर का चौमुखी विकास किया जाएगा, और पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। क्या वहाँ पर मूलभूत क्या जरूरतें हैं जनता की, किस तरह जनता वहाँ पर परेशान है, आखिर जनता की आवाज़ क्या है? सड़क, बिजली, सबसे तो ज़्यादा तो सड़कों का हाल बदहाल है हमारे क्षेत्र में। चूंकि एक्सप्रेसवे बना, हमारे क्षेत्र से होता हुआ गया, तो उससे 10 से 15 किलोमीटर की जितनी भी ग्रामीण अंचल की सड़कें थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, चलने लायक नहीं है। कभी आप भरोसा से लेकर के बीरसिंहपुर में जाएं, जो लाखों आबादी को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह खड्डे में बदल चुकी है, पूरी तरह तालाब में बदल चुकी है। वहाँ के लोगों के किनारे बाजारों में जिन लोगों का व्यापार था, कारोबार था, सब समाप्त हो चुका है। आज वो 6 किलोमीटर की सड़क की वजह से लोग 16-16, 18-18 किलोमीटर घूम कर बेचारे जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है, और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को यहाँ सुविधा मिल रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ सड़क दुगुनी हो गई है और लोगों को दुनिया तोड़ के जाना पड़ रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब योगी जी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर तो नहीं उतरा है। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि एक दिन उस सड़क से आप केवल 6 किलोमीटर की यात्रा कर ले, आपको पता चल जाएगा। एक सड़कें नहीं है, मधुगरपुर से दोस्तपुर की यात्रा कर लें, आपको पता चल जाएगा। बगिया चौराहे से लेकर के बीरसिंहपुर की यात्रा कर लें, आपको पता चल जाएगा। बुरी तरह बदहाल हो चुकी हैं सड़कें, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। झूठी बातें फैलाने के अलावा विकास पर, किसी की ज़रूरत पर कोई उनका ध्यान नहीं है। ये तो केवल सरकार सांप्रदायिकता की आड़ में अपना खेल खेलना चाहती है। तो देखा आपने किस तरह से ओपी सिंह जी ने बताया कि वहाँ पर मामला पूरा तय है, और
हम वहाँ पर जीत कर आ रहे हैं, जनता के दिलों में हम बसे हुए हैं और हम काम करके दिखाएंगे। हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम इसको बखूबी निभा करके और जीत दर्ज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इटावा के थाना बसरेहर क्षेत्र में 27 जनवरी को एक ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके अपने गांव आशंदपुर में जा रहा था और इस दौरान घर से 200 मीटर पहले ही बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उस ज्वेलर से ज्वेलरी से भरा जो बैग था वो लूट लिया। लूट की घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और कानपुर मंडल से आईजी जोन ने निरीक्षण कर तुरंत इसका खुलासा करने का निर्देश भी दिया। सर्विलांस और SOG की टीम ने 5 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 साथी भागने में उनके कामयाब हो गए। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 सोने की अंगूठी, 3 सोने की चैन, 1 जोड़ी झाले, 4 सोने की चूड़ियां, 34 पायल चांदी समेत कई हथियार भी पुलिस ने इनके पास से बरामद कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ये मामला जो है उसको सुलझाया और पुलिस ने लूट के मामले में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उनके पास से लूट की जो चीज़ें हैं उनको भी बरामद किया है, हथियार भी पुलिस ने बरामद इनके पास से कर लिए हैं। तो ज्वेलर्स से इन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से हथियार समेत जो ज्वेलरी थी लूटी हुई वो भी बरामद की है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं। इसके अलावा बाकी जो थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते ही लगातार पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत अभी तक बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। लगातार चलाए जा रहे अभियान से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कई बार हो चुकी है। आपको बता दें कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ ही भारी मात्रा में लहन को भी पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस और आबकारी की टीम जो है वो संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। 70 भट्टियां समेत 107 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और उनके पास से पुलिस ने 1,00,000 लीटर लहन और 5,000 लीटर शराब को भी पुलिस ने बरामद किया है, उसको नष्ट कर दिया गया। तो चुनाव के दौरान लगातार ये जो है छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है और इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। पुलिस लगातार अपनी जो टीम है उसको एक्टिव किए हुए है। 107 लोगों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस एक्टिव मोड में है। चुनाव से पहले छापेमारी जो है वो तेज पुलिस की गई है और इस दौरान पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। लहन पुलिस ने नष्ट किया है। इसके अलावा जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनको पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। 107 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब तक हरदोई का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज है और इसी बीच पुलिस ने जो शराब है उसको बरामद किया है। भट्टियों को भी पुलिस ने नष्ट किया है। 107 लोगों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया। लगातार पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, छापेमारी लगातार जारी है। में अब बहुत कम समय रह गया है, इसके चलते विगत दिनों हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ के विरुद्ध अभियान चलाया था। अभी हाल में ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी। चूँकि हमारी फोर्स बाहर जानी थी चुनाव के लिए, इसलिए कल दिनांक 5/2 से आज 6/2 तक हमने आबकारी विभाग से मिल करके अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे में हमारे सभी थानों की पुलिस ने एवं आबकारी विभाग के लोगों ने मिल करके लगभग 70 भट्टियाँ इनको पाया, इनको तोड़ा। 5,863 लीटर अवैध शराब बरामद की, 1,00,000 लीटर से ऊपर का लहन डिस्ट्रॉय किया गया। बिजनौर में गैस भरने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से बच्चे जो हैं वो घायल हो गए और सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि गुब्बारे में गैस भरते समय यह हादसा हो गया और इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। चांदपुर के सराय रफी इलाके का पूरा मामला है, जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट में बच्चे घायल हो गए और गुब्बारे में गैस भरते समय ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में बच्चे जो है वो घायल हो गए। बच्चों को चोटें आई हैं और घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चांदपुर सराय रफी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर गुब्बारे में गैस भरते समय हादसा हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट में बच्चे घायल हो गए और इस दौरान ये हादसा हो गया।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीलीभीत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के आदेश पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया हुआ है। पीलीभीत शाही बरेली बॉर्डर पर एसएसटी टीम शाही चौकी इंचार्ज जो है वो मजिस्ट्रेट सतीश सहित संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान कार से 10 किलो चांदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस चांदी को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और चेकिंग के दौरान ये 10 किलो चांदी पुलिस को मिली है। लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट पर है। चुनाव के मद्देनज़र पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। यूपी में तमाम जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान जो बदमाश हैं, स्ट्रीट शीटर्स हैं, उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।